नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी समर्थन में आना पड़ा और शूद्र वाला बयान दे दिया। अब इसी बयान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपने मुख्य वोट बैंक को संदेश देने के लिए वार पलटवार के मैदान में आ गई हैं। इसी के साथ शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में दलित वोटों पर सियासत। मायावती ने रामचरितमानस पर उठे विवाद के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ट्वीट कर निशाना साधा है। बसपा चीफ मायावती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए राजनीतिक दलों को घेरा है, साथ ही लखनऊ कांड का भी जिक्र कर डाला। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, देश में कमजोर व अपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे तथा ना ही संविधान की अवहेलना करे। मायावती अपने दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों आदिवासियों व ओबीसी समाज के शोषण अन्याय नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि की अपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस भाजपा व समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं। साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला करवाया था। मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा, वैसे भी ये जग जाहिर है कि देश में एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में ही हमेशा से निहित व सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ही ज्यादा करती रहती हैं। जिस तरह से रामचरितमानस में प्रयोग किए गए शब्द शूद्र को लेकर सियासत की जा रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए साल 2024 में होने वाले चुनावों के लिए पिच तैयार की जा रही है। मायावती द्वारा समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेने का कारण अपने वोट बैंक को दिया जाने वाला एक संदेश भी है। जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा था और जिस तरह इसका राजनीतिकरण हो रहा था, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने ही इस मुद्दे पर अब तक कोई बयान नहीं दिया था। अब मायावती ने इस पूरे मामले में जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को घेरा है बल्कि भाजपा से लेकर कांग्रेस तक को निशाने पर लिया है। रामचरितमानस की चौपाई और उसके शब्दों को जातीय तौर पर ही राजनीतिक दल आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शूद्र शब्द के जरिए जिस तरह एक विशेष समुदाय को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, मायावती ने उसी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देकर अपने विशेष वोट बैंक को फिर अपने ओर खींचने का प्रयास किया है। अभी तक इस पूरे मामले पर भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने थी, लेकिन अब जब बहुजन समाजवादी पार्टी को इसमें राजनीतिक नफा नुकसान नजर आ रहा है, तो मायावती को भी मैदान में कूदना ही पड़ा। यहां गौर करने वाली बात है कि बसपा का वोट बैंक इस समय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को आगे ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से बसपा का वोट बैंक लेने का प्रयास भी कर रही है। अगर इस पूरे मामले में बसपा चुप्पी साधे रहती तो उसके वोट बैंक का नुकसान हो जाता। यही कारण है कि मायावती ने इस पूरे मामले में न सिर्फ समुदाय का जिक्र करते हुए सपा पर हल्ला बोला बल्कि अपने ऊपर हुए गेस्ट हाउस कांड का भी हवाला देकर अटैक किया, ताकि बसपा का मुख्य वोट बैंक यानी दलित वोट बसपा के पाले में आ सके। जिस तरह से मायावती ने सपा पर निशाना साधा है, उस हिसाब से अब ये पूरा मामला सपा बनाम बसपा हो गया है, जिसमें दलित वोटों को लुभाने में भी मायावती और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। 2024 में होने वाले चुनाव की पिच अब तैयार हो रही है।
देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज 44 के साथ। नमस्कार।